रो मत पगली, तुझ पर बीता हुआ सुनकर अर्जुन मासूम बच्चों की तरह तड़प उठा। कहने लगा, दीदी जिंदगी तो हादसों का सफर है, अनहोनी और होनी तो किस्मत का खेल है, उसे कौन रोक सकता है, न मैं न तुम न विधि का लिखने वाला वो विधाता। उसने जो लिख दिया सो लिख दिया। फिर कहने लगा, दाग तो चांद में भी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग उसकी पूजा करना छोड़ दे। और कहा, निशा से कहना, जो होना था सो हो गया, उसे भूल जाओ, उसे बार बार याद करके दुखी होने से क्या फायदा। रो मत पगली, रो मत, हम बहुत रो लिए, बहुत रो लिए। हाय निशा। देखो निशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर नाराज होने का हक तुमसे ज्यादा मुझे। मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी? तुम तो जानती हो कि पुलिस की नौकरी ऐसी होती है। खैर छोड़ो, जो बातें मैं भूल गया हूं उन्हें तुम भी भूल जाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। अरे अरे बाप रे, इतना मोटा आंसू, ये तो बहुत बड़ा कर्जा हो जाएगा हम पर। जानती हो इस आंसू की कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपया। और हम डरे सीधे साधे नौकरी पेशा आदमी, सारी जिंदगी की तनख्वाह लगा दूंगा ना तो भी इसका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। खैर, ये 1 करोड़ अंदर, अब तो मुस्कुरा दो। दीदी, आंसुओं से तकदीर का लिखा मिटता नहीं, बल्कि दुख का एहसास और भी बढ़ जाता है। ये कैसी अनहोनी हो गई? मैं आपका दुख समझता हूं। जिंदगी की जिस मासूम तस्वीर में आप एक मुद्दत से प्यार का रंग भर रही थी, वो खून के छींटों और चीखों में डूब के रह गई। अर्जुन, हमने तुमसे बहुत छुपाया, मगर ऐसी बातें छिपती का वो तो आंसुओं की जुबान बनकर सामने आ जाती है। अर्जुन, हमने कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमने तुमसे। रोइए मत। डीसीपी खन्ना साहब की हत्या ने निशा को, आपको, मुझे, हम सबको वीरान कर दिया, मगर हमें लड़ना है। हाँ। अपने आप से, हालात से। आप देखना दीदी, मैं उन कमीनों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अरे मक्कर, मैं शकाल बोल रहा हूँ। हाँ कहो। अरे फिर किसी कैदी को जेल से भगाकर किसी का खून करवाना है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या है कि प्रजापति जी ने जेलर साहब की तबीयत का हाल पूछा है, उनको 2.5 लाख रुपए हजम हुआ कि नहीं? अरे जेलर तो 2.5 लाख रुपए निकल कर डकार भी नहीं मार रहा है, वो तो बड़ी चैन की नींद सो रहा है। That's good, that's good. इसका मतलब ये हुआ कि प्रजापति जी को अब कोई खतरा नहीं है। अरे फिकर नॉट, खतरा किसी को नहीं है, ना तुम्हें, ना हमें, ना जेलर मल्होत्रा को, क्योंकि डीसीपी खन्ना के मर्डर केस की फाइल तो कब की बंद हो चुकी है। मक्कड़, तूने सिर्फ डीसीपी खन्ना का खून ही नहीं किया है, बल्कि मुझ जैसे न जाने कितने अनाथ बच्चों से उनका मसीहा छीना है। Yeah.
शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को आपस में झगड़ा करते हुए। कमिश्नर साहब, ये कानून का रक्षक नहीं, कानून का हत्यारा है। शहर के मुजरिमों और खूनियों के साथ इसके हाथ मिले हुए सर, इसके हाथ मिले हुए। ये झूठ बोलता है सर, ये मुझसे चलता है। मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ सर, मैंने अपने कानों से इसे टेलीफोन पर बात करते हुए सुना है। इसने और जेलर ने मिलकर शाकाल और विक्की को जेल से छुड़वा कर डीसीपी खन्ना का मर्डर करवाया सर। मेरा बस चले तो इसे जान से मार डालूं। अर्जुन, बिहेव योरसेल्फ। बगैर किसी सबूत के तुम किसी ऑफिसर पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। पहले सबूत लेकर आओ, फिर बात करो। ओके 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 सर, बहुत जल्द मैं आपके सामने सबूत लेकर आऊंगा सर। ऑलराइट,